मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है ये टॉपिक आपको ये बताता है। तो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स ऑन डायपोल लाइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इमेजिन करो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता लगा नॉन यूनिफॉर्म है? लाइंस इनके अंदर जो जा रही हैं वो पैरेलली नहीं जा रही, और यहाँ पर लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पर लाइंस दूर होती जा रही हैं। तो यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो देखो एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स ऑन अ डायपोल लाइंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर लाइंस पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कम से कम यूनिफॉर्म तो नहीं है, कम से कम इक्वल तो नहीं है। तो मुझे समझ में आता है कि अगर ये मेरा पहला पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की ई ए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई बी है। तो एक जगह ई ए है, एक जगह ई बी है। ई बी की वैल्यू बड़ी होगी, ई ए की वैल्यू छोटी होगी। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप राइट की तरफ आ रहे हो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग से कहाँ आ रहा है? वीक की तरफ आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो लाइंस पास हैं तो स्ट्रांग है, खुल रही हैं तो वीक है, तो स्ट्रांग से वीक है। तो यहाँ पर ई ए की उल्टा लिख दिया ओके फिर से, यहाँ पर ई ए की वैल्यू स्ट्रांग है और ई बी की वैल्यू यहाँ पर वीक है। अब ठीक है, तो ई ए यहाँ पर स्ट्रांग है, ई बी यहाँ पर वीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? राइट। तो ये फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज उल्टी फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी करेगा? क्यू इंटू ई बी। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई राइट, और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई लेफ्ट। तो क्योंकि ये स्ट्रांग है और ये वीक है, तो ये फोर्स बड़ी होगी, ये फोर्स छोटी होगी। तो नेट फोर्स क्या होगी? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर दिया? माइनस। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बड़ी और छोटी फोर्स को हमने माइनस कर दिया। बड़ी फोर्स कितनी है? Q इंटू ई ए। छोटी कितनी है? Q इंटू ई बी। Q कॉमन आ गया, ये टर्म आ गई। इस टर्म में ये जो टर्म आई इसे एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ये फायदा हुआ ऐसा करने से, एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड करने से, क्यू इन टू एल, क्योंकि डायपोल की लेंथ कितनी है? एल, और चार्ज कितने हैं? क्यू। तो क्यू इन टू एल क्या माना जाएगा? इसका डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा यहां पर? Q into L। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? P, राइट? तो इसकी जगह क्या पुट करूंगा? P। दिस इज वॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो पॉइंट बहुत दूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, एक्चुअल में बहुत पास होंगे, डायपोल बहुत छोटा होता है। तो इस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रिप्लेस कर दिया? DE। लेंथ की जगह क्या लिख दिया? डी एल। तो बेसिकली एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? कि अगर एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? पी, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स कितनी? पी इंटू डी बाय डी एल। तो आपने ये कुछ तो समझने के लिए किया, आपको क्या एनसीईआरटी में पूछ तो रहा नहीं कि इसको ड्राइव करके दिखाओ, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि इस टाइप पे, और इसको बोलते क्या है? डी ई बाई डी एल को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेडियंट वर्ड कब यूज होता है? जब डिनोमिनेटर में लेंथ या डिस्टेंस होता है। तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्यों? क्योंकि डायपोल किस एक्सिस पे पड़ा हुआ है? अलोंग एक्स एक्सिस। इसके ऊपर ना आपकी बुक्स में न्यूमेरिकल गिवन है, इस न्यूमेरिकल को देखो एक मिनट।
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इंक्रीजिंग अलोंग विच एक्सिस, जेड एक्सिस. तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी वैल्यू बढ़ रही है अलोंग जेड एक्सिस, ये इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू यहां पर क्या हो जाएगा, जेड. राइट, अगर ये एक्स एक्सिस में होता तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई में होता तो वाई, जेड में है तो जेड. तो इसकी वैल्यू गिवन है 10^7 न्यूटन पर कूलम मीटर. न्यूटन पर कूलम किसके यूनिट्स होते हैं, ई के यूनिट्स. क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, और मीटर का मतलब डिस्टेंस. तो इसका मतलब इसके यूनिट क्या बनेंगे, न्यूटन पर कूलम अपॉन मीटर. तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, डी ई बाय डी जेड गिवन है. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, एंड मुझे और एक और चीज गिवन है, पी. पी भी गिवन है, डायपोल मोमेंट गिवन है. आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स. मैंने आपको फॉर्मूला करा दिया कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्यों है, क्योंकि बिकॉज ई इज इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस. उसे क्वेश्चन में कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो पी मुझे पता है, डी ई बाय डी जेड मुझे पता है, इन्हें मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द नेट फोर्स. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला क्वेश्चन नहीं है, पर बुक्स में एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा. तो जब आप इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे, आपको हो सकता है ये लैंग्वेज समझ में ना आए. अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको रेफर करना है, कौन सी थ्योरी आपको रेफर करनी है. तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये एक टर्म है. नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट इज